यूपी के किसानों को खुश करना बीजेपी के लिए आसान नहीं लग रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी के कद्दावर नेता किसानों से संवाद साधने के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं, तो वहीं किसान बीजेपी के नेताओं को देखते ही विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। ताजा मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया है, जहां केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव सौरम में एक शोक सभा में शामिल होने के लिए गए थे, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत कई नेताओं को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। आखिरकार मंत्री जी को अपने काफिले का रास्ता बदलना पड़ा, जिस पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ भारतीय किसान यूनियन और RLD के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद मंत्री जी के समर्थक और विरोध कर रहे लोगों के बीच झड़प हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। शादी हो, 13वीं हो, कोई भी घटना हो, उसमें शामिल होना मैंने हमेशा अपना कर्तव्य समझा है। जब मैं रसम पगड़ी में अंदर मौजूद था, राष्ट्रीय लोकदल के ब्लॉक अध्यक्ष और 4-5 लोग जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, घोषित कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने वहाँ पहुँचा, वहाँ बदतमीजी शुरू करी, वहाँ नारेबाजी शुरू करी और बहुत ही अभद्र व्यवहार। जिस परिवार के घर 13वीं है, चाहे कैसा माहौल हो, किसी ने अपना खोया हो और मैं संवेदनाएं प्रकट करने और रस पगड़ी पे वहाँ मौजूद हूँ, उस संगे ऐसा करना नितांत मैं समझता हूँ कि एक ऐसा कृत्य है जिसे उचित नहीं ठहरा जा सकता। उसके बाद वहाँ मौजूद गांव वालों ने उन लोगों को वहाँ से भगाया, बाहर हत्यापाई भी, उन लोगों को वहाँ से भगा दिया गया। फिर उसके बाद वहाँ से चल के मैं, अब ये घटना क्यों हुई? इस घटना के तुरंत बाद राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व प्रत्याशी वहाँ प्रकट होते हैं और 10 मिनट के अंदर अंदर राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता जो दिल्ली रहते हैं और हमेशा ट्विटर पर मौजूद रहते हैं, 4 लोगों की फ़ोटो उनने उसमें डाली और ट्वीट किया। मैं पुलिस और प्रशासन से मांग करता हूँ, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसका व्यक्तिगत दुख मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा अपना परिवार है, मेरा अपना गाँव है, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता आज यहाँ आ रहे हैं वो पहले कभी नहीं आए। 2013 की घटना है, सोरम गांव था, 4 लड़कों की बहुत बुरी तरह से एक विशेष वर्ग द्वारा पिटाई की गई, उनके ऊपर फर्जी 307 का मुकदमा दर्ज कराया गया, गलियों में भगा भगा कर उन्हें पीटा गया। सोरम में पंचायत हुई, पंचायत में मैं मौजूद था, ये हुई कि प्रशासन ने पिटाई भी करवाई है और प्रशासन ने मुकदमा गलत दर्ज किया है। उस समय के वर्तमान यहाँ के बड़े नेता जो लोकदल के बड़े नेता हैं, उन आलम साहब से बात हुई, आलम साहब ने कहा फैसला करना है मेरे घर आइए, किसी ने पंचायत करने का कष्ट नहीं उठाया, आलम साहब के दरबार में जाना पड़ा, पिटाई भी हुई और मुकदमे भी दर्ज हुए। जो आज नेता यहाँ पंचायत कर रहे हैं वो उस समय कहीं नहीं आए। 2013 का दंगा हुआ, सोरम गाँव के लोग मारे गए, सोरम गाँव के कई लोग घायल हुए, किसी ने कभी पता नहीं पूछा, किसी ने आके उनके आंसू पोंछने का काम नहीं किया, फर्जी मुकदमे भी लगे, मैं हर समय वहाँ मौजूद रहा, मैं अपने लोगों के बीच में रहा। आज एक घटना पे, जो इस तरह की घटना है, या तो वह इस घटना को जायज़ ठहराए कि जनप्रतिनिधि कहीं ना जाए। मैं मुझे फिर भी जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनका जनप्रतिनिधि दिल्ली जा कर रहे, क्या वो वहाँ ट्विटर पर उनसे बात करे, क्या उनके सुख दुख में शामिल रहे? ये मुझे फिर की जनता, 25 लाख जनता है जो मेरा परिवार है, मुझे जवाब दे उन्हें कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। ये लोग किसान के कंधे पर कम दूर चलाना चाहते हैं, इन्हें इस घटना कोई दुख नहीं है, ये इस घटना से पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज को जिस तरह से पहले जो हालात थे मुजफ्फरनगर में हालात ये पैदा करना चाहते हैं। मेरा जब तक प्रयास रहेगा यहाँ के सांसद होने के नाते, इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा ना हो, मुझे बहुत दुख है इस घटना का, व्यक्तिगत रूप से बेहद पीड़ा है इस घटना की, मैं दुखी भी हूँ कहीं ना कहीं, और मैं चाहता हूँ कि समाज दोबारा जुड़ कर रहे, इस तरह की घटना फिर कभी ना हो। ये आपसी विवाद है, इसे उसी तरह से लेना चाहिए कि जिस तरह से और विवाद हो जाते हैं, और इस घटना के विस्तृत जांच, कॉल रिकॉर्ड निकाली जाए कि लोकदल के नेता जो 5 मिनट बाद वहाँ मौजूद थे उनमें किससे पहले बात की, ये एक सुनियोजित साजिश थी पूरी तरह से। लोकदल के एक नेता तो मौजूद थे गाँव में, बाकी 5 मिनट के अंदर सब नेता कैसे पहुँचे, मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया गया, सोरम की मस्जिदों से अनाउंसमेंट कराया गया, घटना के तुरंत बाद सारी की सारी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी, ट्वीट कराया गया दिल्ली से, और एक तरह से इस घटना को इस तरह से दिखाया गया, इस घटना में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता मौजूद थे, ब्लॉक अध्यक्ष है, आप लोग पता कर सकते हैं। मेरे मीडिया के भाइयों से भी एक निवेदन है, इस घटना में बार बार किसान न कहें, ये राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता थे जिन्होंने जो प्रयास किया, जिस तरह का प्रयास अशोभनीय है,
जो भी घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण, मुझे व्यक्तिगत खेद है, दुख है व्यक्तिगत इस बात से बोझल है। मैं अपने समाज को बांटना नहीं चाहता, मेरे जिले के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का अच्छी तरह प्यार से निर्वहन करना चाहता हूं। मैं सभी से व्यक्तिगत अनुरोध करता हूं कि इस तरह की घटनाएं ना हों। सभी राजनीतिक दल है, हर गाँव में राजनीतिक दल का कोई ना कोई व्यक्ति रहता है, सभी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, सब अपनी बात रखें, एक मर्यादा में सब बात रखें, सबके सवाल जवाब हों, सबको हमसे बात पूछने का हक है। जब आपने सांसद चुना है तो जिसने वोट दी नहीं थी उसे भी पूरा हक है हमसे सवाल पूछने, अपनी राय हमें बताने का। लेकिन इस तरह से हर जगह अगर जाएंगे, वहाँ भैंसवाल में तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, अखिलेश यादव के इशारे पर, और यहाँ रोस्टर लोक दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो किया गया, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आज पंचायत कर रहे हैं, कल भी की और आज भी की, 2013 में जब सोरम में दंगे से पहले भी जो घटनाएं हुई उनमें कहाँ थे? वहाँ के लिए संजीव बालियान उनके बीच में खड़ा था। और सच बात यह है कि आगे भी मैं ही यहाँ रहूँगा। ये लोग आए हैं, ये पॉलिटिकल टूरिज्म पर लोग आते हैं, ये इस घटना का फायदा उठाना चाहते हैं और ये पॉलिटिकल टूरिज्म करके वापस चले जाएंगे। पहले भी इन्होंने ऐसा किया है, ये किसी के सुख दुख में नहीं आएंगे, ये समाज को तोड़ना चाहते हैं। आज मुजफ्फरनगर की जनता को समझना है कि मुजफ्फरनगर को हमें विकास के पथ पर लेकर जाना है, मुजफ्फरनगर में अच्छी बात हो, अच्छा माहौल हो, ये हो, या मुजफ्फरनगर इस तरह की घटनाओं का द्वारा, ये राष्ट्रीय एक किसान आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन चला हुआ है, इस आंदोलन को मुजफ्फरनगर में नहीं बांटना चाहिए। सबको अपनी बात रखने का अधिकार लोकतंत्र, मुझे भी है, सबको अधिकार है। तो मेरा आपके माध्यम से सबसे निवेदन है कि मुजफ्फरनगर की शांति बनाए रखें, इस तरह की घटनाएं कहीं भी दोबारा ना हो, सभी एक दूसरे का सम्मान करें और मर्यादाओं का पालन करें। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।